किसी भी आपदा के समय किस प्रकार से खुद को एक दूसरे को बचाया जा सकता है, इसकी जानकारी देने के लिए बठिंडा सिविल अस्पताल परिसर में NDRF की तरफ से एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल करीब एक घंटे तक चली। इसमें सिविल अस्पताल के डॉक्टरों के अलावा पैरामेडिकल स्टाफ ने भी भाग लिया। NDRF के 36 जवानों ने सिविल अस्पताल परिसर में आयोजित की गई मॉक ड्रिल में हिस्सा लिया। NDRF आपदा के दौरान किस प्रकार के रेस्क्यू ऑपरेशन चलाती है, उसका लाइव डेमो जवानों की तरफ से किया गया। अज असी एक मॉक ड्रिल साडे स्टाफ दी सहूलत वास्ते कीती है, नहीं ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, पर अज असी एक भुचाल वर्गी जिहड़ी स्थिति है उहदे ते काबू करन लई जां जे कोई इस तरह दे हालात पैदा हो जांदे ने, विक्टिम उहदे विच फस जांदे आ, बिल्डिंग कोलैप्स हो जांदी है, उहदे इस हालात दे विच किस तरह साडे जिहड़े कर्मचारी ने या जिहड़ी आम पब्लिक नूं किस तरह इहो जिही सिचुएशन दे विच अपने दिमाग नूं ठंडा रख के किस तरह उस सिचुएशन दे उत्ते कंट्रोल करना, उहदे विचों बाहर आउणा, उहदा नमूना सानूं अज NDRF टीम ने दित्ता है। बठिंडा से आजाद टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन जिग्नू शर्मा के साथ कुणाल बंसल की रिपोर्ट।